से बड़ी खबर है, कमलनाथ के निवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत भवन और सीएम हाउस की तरफ से आने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। कमलनाथ के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। केके मिश्रा पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और केके मिश्रा ने ब्राह्मणों पर जिस तरीके से विवादित बयान दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से कमलनाथ के घर का घेराव किया जा रहा है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, भोपाल से तस्वीरें। आपको बता दें कि बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत हाउस और सीएम हाउस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। कमलनाथ के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो केके मिश्रा पर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दिया था जिसके बाद ब्राह्मण समाज उस बयान से आहत है, तो कमलनाथ के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत भवन और सीएम हाउस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से केके मिश्रा ने बयान दिया और उसके बाद से कांग्रेस से निष्कासित करने की मांगें भी लगातार उठाई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है और भारी संख्या में लोग इस वक्त वहां मौजूद है। सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से केके मिश्रा ने अपना बयान दिया था और उस बयान के बाद से ये पूरा मामला तुलपा करता जा रहा है और बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए केके मिश्रा के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। यहाँ पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी संख्या में यहाँ कमलनाथ के घर के सामने पहुंचे हैं। बयान केके मिश्रा के जो बयान है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार रामधुन भी जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि न सिर्फ केके मिश्रा इस पूरे बयान को लेकर माफी मांगे बल्कि कांग्रेस से ये मांग करने आए हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ से मांग करने आए हैं कि कांग्रेस से केके मिश्रा को निष्कासित किया जाए। लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कमलनाथ के घर जाना चाहते थे, हालांकि पुलिस ने बीच में ही कमलनाथ के घर से थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग करके इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया है और रोके जाने के बाद ये यही सड़क पर धरना दे रहे हैं। धरना देने के साथ ही रामधुन लगातार जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की अगुवाई में यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार रामधुन कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ अब मांग इस बयान के बाद है। कृष भाई बताइए, क्या मांग अब है? ये बयान जो आया है इसके बाद बीजेपी क्या मांग? विनाश काले विपरीत बुद्धि का ये चरितार्थ करता हुआ साक्षात प्रमाण है। एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी धर्म हिंदू धर्म के प्रणेता भगवान श्री परशुराम जी के वंशजों का अपमान किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को तुरंत प्रभाव से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कमलनाथ जी को इनको अपने पद से अब भी पदच्युत करना चाहिए। और सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की, उन्हें सार्वजनिक मंच पर माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए, ये मांग बीजेपी कर रही है और लगातार इसको लेकर कमलनाथ से मिलना भी चाहते हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, मिलने नहीं दिया गया है फिलहाल और यही वजह है कि यही धरने पर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाइए, और भी लोग वहां पर मौजूद है, एक बार कोशिश करिए उनसे भी बातचीत करने के लिए क्योंकि लगातार ज्ञापन देने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए। धरना प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, प्रशासन कितनी मुस्तैद है? देखिए कमलनाथ को ज्ञापन देना चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और अब चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ही यहां पर अनुमति मिली है कमलनाथ के बंगले तक जाने की। जो भी स्टाफ कमलनाथ के बंगले पर मौजूद है उसको ज्ञापन देने के लिए कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को अनुमति दी गई है। पुलिस की ओर से बैरिकेड खोले जा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जो सुमित पचौरी है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता जो है वो अभी कमलनाथ के घर जाएंगे और वहां पर जो उनके ओएसडी है उनको ज्ञापन देंगे। जी देखने को मिल रहा है। ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि आप एक बार तस्वीरें भी दिखाइए किस तरीके से बैरिकेड्स किए गए हैं। बिल्कुल देखिए बैरिकेडिंग यहां पर भी है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता जो है वे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान हंगामा भी हो रहा है लगातार। अगर हम बात करें तो पुलिस किसी तरह इन कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक रही है, कोशिश की जा रही है कि ये कार्यकर्ता जो है वो अंदर न जाए
और ये इसी बीच धक्का मुक्की भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के जवानों के बीच चल रही है। हालांकि पुलिस ने अनुमति दी है कि कुछ लोग जो है सुमित पचौरी जो ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान और नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं के मिश्रा के बयान से नाराज हैं, लगातार सियासी तूल अब के मिश्रा का जो बयान है वो पकड़ता जा रहा है। और उसके बाद बीजेपी को एक मुद्दा हाथ आ गया है जिसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन और विरोध यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, और लेकिन साफ तौर पर ब्रिजेश अगर के मिश्रा की बात कर ली जाए तो के मिश्रा को जरा भी पछतावा नहीं है अपने बयान को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसको धरना देना है वो धरना दे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल के मिश्रा से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अनौपचारिक रूप से ये बयान दिया था, ना कि आधिकारिक रूप से बयान दिया था। और यही वजह है जो के मिश्रा का कहना है कि उन्हें अपने बयान पर कोई रंज नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, और इसीलिए वो किसी भी तरह से अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। और वो अपने बयान से पीछे हटने के लिए या जिस तरह बीजेपी ब्राह्मण महासभा हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, लगातार माफी मांगने की मांग तो चली रही है, साथ ही कमलनाथ से मांग की जा रही है कि के मिश्रा को पार्टी से बाहर करें, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उनसे जवाब मांगें। ये तमाम चीजों पर फिलहाल कमलनाथ या कांग्रेस का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन के मिश्रा की अगर हम बात करें तो के मिश्रा कतई भी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में कई ऐसे हिंदू संगठन है जो अब सामने आ चुके हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। तस्वीरें भी लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें दिखा रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कमलनाथ के घर के बाहर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। ब्रिजेश, हम चाहेंगे कि आप एक बार वहां पर आसपास के लोगों से एक बार बातचीत कीजिए कि आखिर उनकी मांग क्या है और किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, बैरिकेड्स भी हम लगातार देख रहे हैं। ब्रिजेश बिल्कुल देखिए, चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है और कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वे कमलनाथ के बंगले तक जाएंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप बताइए अब क्या मांग है आपकी, अंदर जाकर क्या मांग करने वाले? ब्राह्मण समाज का मीडिया के सामने इतना बड़ा अपमान किया है, कांग्रेस की यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के द्वारा यात्रा चल रही है, मगर आप देखिए कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को देखिए, कमलनाथ के नेतृत्व में के मिश्रा ने ब्राह्मणों का कैसा अपमान किया है। जो कि मांग क्या है आप? मुख्य मांग ये है कि तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तत्काल प्रभाव से कमलनाथ जी को बहिष्कार के रूप में ब्राह्मणों को एक सच्चाई के रूप में एक अच्छी एक मैसेज दे और उनको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिले, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जी सर, बर्खास्तगी की मांग चल रही है, नहीं किया जाता है तो क्या करने वाली बीजेपी? बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्राह्मण समाज का बहुत घोर अपमान के मिश्रा ने किया, जिस प्रकार की गाली उसने दी, अपशब्द आज तक किसी नेता ने इस प्रकार ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोला है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग कमलनाथ जी से मिलना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि के मिश्रा को पार्टी से बर्खास्त करे कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी से, और हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग पूरी पूर्ण रूप से हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। ये बर्खास्तगी, एक ही मांग है कि बर्खास्तगी हो, और देखिए लगातार हंगामा यहाँ पर जारी है, प्रदर्शन जारी है, कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को अंदर बुलाया गया है। जो देखिए डेलीगेशन है वो सुमित पचौरी की अगुवाई में अंदर जा रहा है, कमलनाथ के स्टाफ को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें तो लगातार बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अंदर आने के लिए, वे भी अंदर आना चाहते हैं और कमलनाथ के बंगले का घेराव करना चाहते हैं। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 150-200 मीटर की दूरी ही होगी कमलनाथ के घर में और बैरिकेड के बीच में, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को बनाना चाहती है पूरी तरीके से, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे, विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर किया जा रहा है। ब्रिजेश आप लगातार बने रहिएगा, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार सुना देते कि आखिर के मिश्रा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। बोल और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। आप किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे? कुकर्मियों के लिए कह रहा था, मैं अपने शब्दों में कायम हूं, कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूं, जिसको मेरे पुतले जलाना जलाए नहीं। आज कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने
पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। के मिश्रा जी ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं और ये के मिश्रा जी का बयान क्या कमलनाथ जी के इशारों पर दिया गया है? क्या वह कमलनाथ जी के इशारों पर ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं? तो पूरी कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, अन्यथा कमलनाथ जी के मिश्रा पर कार्रवाई करें, उन्हें पार्टी से बाहर निकालें। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि इसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे सर? ये कुकर्मियों के लिए कह रहा था, मैं अपने शब्दों में कायम हूं, कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूं। जिसको मेरे पुतले जलाना जलाए, नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापिस नहीं लेता और कभी पीछे नहीं। लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि इसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे सर? ये कुकर्मियों के लिए कह रहा था, मैं अपने शब्दों में कायम हूं, कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूं। जिसको मेरे पुतले जलाना जलाए, नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापिस नहीं लेता और कभी पीछे नहीं। लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि इसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है।